भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का काफी घातक विस्फोटक मुकाबला। यहां पर कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या ने ऐतिहासिक पारी खेल डाली और साउथ अफ्रीकी की गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के दिग्गजों ने सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हेडमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला आक्रामक तरीके से चला तो वहीं सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, विराट कोहली ने भी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीकी की गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साउथ अफ्रीका का बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने पानी भरता हुआ नजर आ रहा था। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए चैनल पर। अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी साउथ अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बाबुम्बा ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। टॉस की बाजी जीत करके साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा खुश हुए और खुशी से वो उछलने लगे। शायद उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए तो इस मुकाबले को भी बेहतरीन तरीके से जीत लेंगे। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका का दिग्गज खिलाड़ी सबसे पहला ओवर लेकर के कगे सुर रवाड़ा है तो हमारे भारतीय टीम के खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली मैदान पर ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। कगेश्वर रवाड़ा के पहले ओवर की पहले ही गेंद पर चौका लगा दिया और यहां पर चौथी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने पहले एक ओवर में 16 रन बना दिए। दूसरे ओवर में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी ने यहां पर दो चौके और शानदार दो छक्के ठोक दिए। दोनों बल्लेबाज काफी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर थे और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान टिम्बा बाबुम्बा काफी ज्यादा हैरान परेशान थे। डीकॉक जैसा ही तीसरा ओवर लेकर के आए, विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में दो चौके और दो गगनचुंबी छक्के फिर ठोक दिए तो वहीं कगेश्वर रवाड़ा जब यहां पर पांचवां ओवर लेकर के आए तो हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने कगेश्वर रवाड़ा के पांचवें ओवर की छह गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगातार चार छक्के और दो कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा काफी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और सामने वाली टीम को जम करके धो रहे थे। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। यहाँ पर साउथ अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बाबुम्बा ने सोचा कि हम रोहित शर्मा को इस बार आउट कर देंगे, लेकिन रोहित शर्मा काफ़ी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी किए जा रहे थे और काफ़ी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर बरसा रहे थे। यहाँ पर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने छठवें ओवर के छः गेंदों पर कुछ ऐसी बल्लेबाजी कर दी जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह रिकॉर्ड तोड़ दिया। कगेश्वर रवाड़ा के छठे में ओवर की छह गेंदों पर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगातार छह गगनचुंबी छक्के ठोक दिए जिसको देखकर सब के होश उड़ गए। लेकिन यहां पर सातवें ओवर की चौथी बॉल पर फिर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब टीम इंडिया की शान घातक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की आन हार्दिक पांड्या नहीं बल्कि यहां पर विराट कोहली आउट हो गए। रोहित शर्मा का साथ दे रहे ओपनिंग में विराट कोहली ने काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की और सातवें ओवर तक जाते जाते अर्धशतकीय पारी खेल डाली और 52 रन बनाकर के क्लीन बोल्ड हो गए। जैसे ही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली आउट हुए, मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आ गए। ऋषभ पंत एक काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। ऋषभ पंत ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा और काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं कगेश्वर रवाड़ा रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। रोहित शर्मा की बैटिंग इस तरीके से तूफान ला रही थी जिसको देख करके हर कोई चौंधिया गया था। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के भी पसीने छूट गए। एक पल के लिए कगेश्वर रवाड़ा भी दौड़कर यहां पर रोहित शर्मा के पास गए कि आखिरकार रोहित शर्मा के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। कगेश्वर रवाड़ा रोहित शर्मा के पास गए और रोहित शर्मा के बल्ले को देखा लेकिन उन्हें कुछ ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में जरूर नजर आए। रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीकी
क्योंकि गेंदबाजों के पसीने छूट रहे थे। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर सभी के होश उड़ रहे थे। रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 10वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए, तो वहीं 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ऋषभ पंत ने ठोक दिए। ऋषभ पंत भी काफी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम के घातक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत जब यहां पर 12वें ओवर की 4थी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे। ऋषभ पंत काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत ने 51 रन ठोक दिए और अर्ध शतक पारी ठोक दिए। अब ऋषभ पंत के आउट होने के बाद भारतीय टीम में सनसनी सी छा गई, लेकिन फिर भारतीय टीम के घातक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज ने मैदान पर जब कदम रखा तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर उतरते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। सूर्य का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए यहां पर 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 4 छक्के ठोक दिए। सूर्य का बल्ला आक्रामक और विस्फोटक तरीके से चलने लगा। सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा का साथ देते हुए मैदान पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में डट कर बल्लेबाजी की, और लेकिन भारतीय टीम को यहां पर सबसे बड़ा झटका जब लगा जब यहां पर 13वें ओवर की 4थी बॉल पर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए, क्योंकि हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा 148 रन ठोक चुके थे और काफी घातक विस्फोटक बारी खेल चुके थे। अब हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर सूर्य का साथ देने के लिए शिवम दुबे आए। शिवम दुबे लगातार कई मैचेस में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं, लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतनी आक्रामक विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन सूर्य यादव का शिवम दुबे काफी देर तक साथ देते रहे। शिवम दुबे ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यहाँ पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे काफी आक्रामक विस्फोटक अंदाज में डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव को रोकने के लिए यहाँ पर साउथ अफ्रीकी के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। साउथ अफ्रीकी के गेंदबाज और कप्तान ने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए, लेकिन सूर्य काफी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहा था और सामने वाली टीम को जम करके दौड़ा था। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 4 छक्के ठोक दिए और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके मार दिए। सूर्य कुमार यादव की आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था, सभी के पसीने छूट रहे थे। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों ने, लेकिन भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका जब लगा जब 17वें ओवर की 4थी बॉल पर शिवम दुबे आउट हुए। अब शिवम दुबे के आउट होने के बाद यहां पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। हार्दिक पांड्या काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है। हार्दिक पांड्या जब तक टीम इंडिया में है और पिच पर मैदान पर टिका हुआ है तो समझ लीजिए कि सामने वाली टीम के ऊपर एक अच्छा खासा दबाव बना हुआ है। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर कदम रखते ही 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर आक्रामक और विस्फोटक तरीके से चलने लगा। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ऐतिहासिक पारी खेलने शुरू कर दी। कागेश्वर रवाड़ा बार बार यहां पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के एक ना चल रही थी। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों बल्लेबाज मिलकर के तूफानी विस्फोटक अंदाज में छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोक रहे थे और काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें कि रविंद्र जडेजा यानी कि हार्दिक पांड्या जब खेल रहे थे तो रविंद्र जडेजा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। सूर्य कुमार यादव जब आउट हुए तो रविंद्र जडेजा ने मैदान पर कदम रखते ही 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए, जहां पर हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर और रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर दोनों बल्लेबाज आक्रामक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने 138 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। तब सूर्य कुमार यादव जाकर के आउट हुए। सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए साउथ अफ्रीकी की गेंदबाज ने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया और काफी विस्फोटक अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम ने 20वें ओवर तक जाते आते साउथ अफ्रीकी की टीम के सामने आप सभी को बता दें कि यहां पर 392 रन ठोक दिए। अब साउथ अफ्रीकी की टीम को जीत के लिए 393 रनों की जरूरत थी, लेकिन साउथ अफ्रीकी की टीम को यह पता चल गया था कि इस मुकाबले को हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर काफी ज्यादा हाईलाइट था और काफी ज्यादा हाई पावर का था। यहां पर भारतीय टीम के दिग्गजों ने यानी कि जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह और यहां पर घातक विस्फोटक गेंदबाज रविंद्र जडेजा और यहां पर हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीकी की गेंदबाज बल्लेबाजों को ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया, लेकिन यहां पर दो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे।
तरंग विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन यहां पर आप सभी को बता दें कि साउथ अफ्रीका के दो बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी तो कर रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 11वें ओवर में उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम के घातक हुंकार विस्फोटक शेरों ने काफी तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को जीतकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम से बेटर कोई टीम नहीं है, विश्व की नंबर एक टीम है तो भारतीय टीम। हमारे भारतीय टीम के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।